आदाब नाजरीन, मैं हूँ फरहान नाजरीन। आदाब नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको दिखाते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। नाजरीन, इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम भी गिरफ्तार हो गए हैं। एक होड़ सी लगी है आगे बढ़ने की, नई नई मंजिल तय करने की, यहाँ तक कि हम अपनी सेहत से भी गाफिल हो चुके हैं। बस एक पानी की चाह जो ख़त्म नहीं हो रही है, और कहीं ना कहीं ढेर सारी जो बीमारियां हैं, अमराज हैं, वो हमने उसकी एक लंबी फहरिस्त जो है वो अपनी ज़िंदगी में हमने शामिल कर ली है। लेकिन जनाब, ये जो अमराज हैं, बीमारियां हैं, इनसे हम छुटकारा पा सकते हैं, दूर इन्हें कर सकते हैं खुद से, अगर हम अपनाएं अपनी ज़िंदगी में योग। जी हाँ, हेलो डॉक्टर के इस बेहद ख़ास शुमारे में आज हम बात करेंगे योग से जुड़ी। हम सभी जानते हैं कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, और हम ये भी बखूबी जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमारी जो मेंटल हेल्थ है और एक फ़िज़िकल हेल्थ है, उसमें जो एक तवाज़ुन बनाने का बेहतरीन ज़रिया है योग। कई अमराज भी इससे ठीक हो सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जो करते हैं योग, उन्हें नहीं छूता है कभी कोई भी रोग। तो नाज़रीन, आज हेलो डॉक्टर में हम बात करेंगे योग से जुड़ी और जानेंगे ढेर सारी जानकारियाँ। इसके लिए हमने मधु किया है अपने स्टूडियो में एक्सपर्ट के एक ख़ास पैनल को, जो कि योग में एक्सपर्ट्स हैं। आप भी जान सकते हैं उनसे अपने दिल के सवाल, हमसे साझा कीजिए, हमसे लाइव जुड़िए, अपने सवाल पूछिए। तो नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और अपनी इस गुफ्तगू को भी आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले नज़र डाल लेते हैं मुख्तसर सी इस रिपोर्ट पर। नाजरीन, आज की तेज रफ्तार भागती दौड़ती और तनाव भरी जिंदगी में खुद के लिए वक्त निकालना और सेहतमंद रहना तकरीबन हर किसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज हम ये चाहते हैं कि कम वक्त में ज्यादा फायदा या अच्छे नतायज सामने आए, और सच पूछे तो सेहत के मामले में भी यही बात लागू होती है। इस सूरत हाल में योगा एक कारगर तरीका साबित हो सकता है, क्योंकि ये हमारी जिस्मानी और जहनी दोनों सेहत को बेहतर करता है। योगा हमारे जिस्म और जहन में तालमेल पैदा करता है, और इसके मुख्तलिफ आसनों से हम अपनी मजमू सेहत बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। योग अलग अलग मूवमेंट, सांस की मश्क या एक्सरसाइज और ध्यान का संगम है। काबिल गौर है कि रोजाना पाबंदी और पूरी लगन से सिर्फ आधा घंटा योगा करने से हम अपने जिस्म, दिल दिमाग को तंदुरुस्त और मुख्तलिफ बीमारियों से दूर रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम चाहें तो अपनी सहूलत के हिसाब से वक्त में इजाफा भी कर सकते हैं। योग की तारीख बहुत कदीम है, और इसका आगाज भारत में ही हुआ, और रफ्ता रफ्ता इसकी मकबूलियत में इजाफा होता गया। योग की अहमियत और इफादियत के पेश नज़र ही 11 दिसंबर 2014 को हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस यानी अक्वाह मुत्तहदा जनरल असेंबली में 21 जून को योगा के आलमी दिन के तौर पर मनाए जाने की तजवीज पेश की थी, जिसे 193 मुल्कों में से 175 मुल्कों ने बगैर किसी वोटिंग के मंजूर कर लिया था। यूएन ने माना कि योग इंसानी सेहत और बहबूद की समत एक जामे तर्ज अमल है, और तभी से हर बरस 21 जून को दुनिया भर में योग का आलमी दिन मनाया जाता है। इस मौके पर न सिर्फ भारत बल्कि बरूने मुल्क में भी मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जाता है, और एक बड़ी तादाद में लोग एक साथ योगा करते हैं। ये योगा के लिए लोगों की मोहब्बत और इसके फवायद में यकीन की अलामत है। योगा के हमारी सेहत पर बहुत से फायदे नजर आते हैं। प्राणायाम सांस की एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसमें सबसे पहले पुरसुकून अंदाज में बैठकर गहरा सांस लिया जाता है, उसे रोका जाता है और फिर उसे छोड़ा जाता है। इससे हम अपने जिस्म, दिल दिमाग को डिटॉक्स कर सकते हैं। प्राणायाम से दिल को मजबूती मिलती है और कुव्वत इरादी मुस्तहकम होती है। इससे जहनी तनाव और डिप्रेशन को खत्म किया जा सकता है। प्राणायाम का ही एक हिस्सा है अनुलोम विलोम, जिसे पाबंदी से सिर्फ 20 मिनट तक करने से दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, गठिया, माइग्रेन और शदीद डिप्रेशन में काफी राहत मिलती है। प्राणायाम का ही एक और हिस्सा है कपालभाति, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाकर गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी शिकायत से राहत पहुंचाता है। कपालभाति प्राणायाम फेफड़ों, जिगर, पैनक्रियास के साथ साथ दिल की काम करने की सलाहियत को बेहतर करता है। इसके अलावा ताड़ासन, तितली आसन, शवासन, त्रिकोणासन योगा के वो आसन हैं जो आसानी से किए जा सकते हैं, और इनसे कई फायदे होते हैं।
योग के साथ साथ अगर आप ध्यान यानी मेडिटेशन करते हैं तो कई गुना फायदा होगा। बेहतर यह है कि योगा की शुरुआत योग गुरु की निगरानी में की जाए और आसनों को सीख लिया जाए ताकि बाद में आप उन्हें सही तरीके से कर सकें। योगा सुबह के वक्त और खाली पेट करना चाहिए। कोशिश करें कि योगा खुली और हवादार जगह में, मसलन पार्क, छत या हवादार कमरे में करें। योगा के लिए ऐसी जगह चुनें जहां शोर न हो। थकान, बीमारी, जल्दबाजी और बहुत ज्यादा तनाव की सूरत में हरगिज योगा न करें। खाना खाने के बाद भी योगा नहीं करना चाहिए। अगर आप सुबह के अलावा योग करना चाहते हैं तो सूरज ढलने से पहले करना बेहतर रहता है। कुछ खाने के 3 से 4 घंटे बाद योग किया जा सकता है। वक्त और हमारी सेहत की जरूरत है कि हमें अपनी जिंदगी में योग को शामिल करके अपनी जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती बेहतर करनी चाहिए। तो इस रिपोर्ट में हमने नाज़रीन देखा कि किस तरह से जो जद्दोजहद भरी हमारी ज़िंदगी है इसमें एक कलीदी किरदार निभा सकता है योग। तभी तो ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में योग की अहमियत को समझा जा रहा है, इसके कई लोग बेदार हो रहे हैं और 21 जून को इसका आलमी दिन भी मनाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप फरहान? यकीनन हम देखते हैं कि जो लोग योग से जुड़े रहते हैं वो अपनी ज़िंदगी में कितने फिट रहते हैं, उनका जो मेंटल हेल्थ है वो भी कितनी सही रहती है और वो ज़िंदगी के सारे काम कितनी बखूबी निभाते हैं, अच्छे से करते हैं, पूरे दिन वो फिट रहते हैं, साथ में उनकी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी रहती है। तो आज इस ख़ास एपिसोड में जो गुफ्तगू करने के लिए माहिरीन, जो एक्सपर्ट्स हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, हम आपका उनसे सबसे पहले तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हैं अमृता शर्मा जो कि योग एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ हैं मानवी नागपाल ये योग एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ हैं मधु खुराना ये भी योग एक्सपर्ट हैं। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे अमृता जी आपसे। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि योग है क्या, किस तरह से एक आप अपने लफ्ज़ों में, अपने शब्दों में इसके बारे में बताना चाहेंगी। मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम देखने वाले जब योग का प्रोग्राम देख रहे हैं तो उन्हें पता चले योग क्या है और ये पूरी दुनिया में इतना मकबूल क्यों होता जा रहा है। अमृता जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ योग भी आ गया है और योग के बारे में ना जाने ऐसा होना अच्छी बात नहीं है। योग क्या है, इसको लोग जो आजकल सामान्य लोग समझते हैं कि योग आसन कर लिया, व्यायाम कर लिया, प्राणायाम कर लिया, बस यहीं तक योग सीमित है। पर योग बहुत ही गूढ़ और बहुत ही व्यापक है। योग है क्या, इसको समझाने के लिए मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक फ़कीर के पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ और मुझे धन चाहिए। फ़कीर ने बोला कि धन की जगह मन की शांति और सुख मांग ले। बोला नहीं जी, मुझे तो धन ही चाहिए। बार बार कहने पर उसने जब बोला कि धन ही चाहिए तो फ़कीर ने एक पारसमढ़ी दे दी। पारसमढ़ी लेकर वो गया और फ़कीर ने कहा कि सिर्फ आपके पास एक दिन है और इस पारसमढ़ी को एक दिन बाद आपको वापस कर देना है। वह व्यक्ति जब पारसमढ़ी लेकर गया वो हर दुकान में जाता, दुकान दुकान में जाकर लोहे इकट्ठे करने और तलाश करने की खोज में लग गया। पूरा दिन बीत गया और अंत में क्या हुआ, पारसमढ़ी देने का समय आ गया। उसने फ़कीर को पारसमढ़ी रोते हुए दी। ऐसा ही हमारा बहुमूल्य जीवन मिला हुआ है। इस बहुमूल्य जीवन में हमारी अनेकों समस्याएं हैं। यह बहुमूल्य जीवन पारसमढ़ी के समान है। अगर हम समय रहते उसका सदुपयोग नहीं कर पाए तो यह बहुमूल्य जीवन ऐसे ही निरर्थक मृत्यु के कागार तक पहुंच जाता है। योग जो है वह इस बहुमूल्य जो हमारा जीवन गरिमा है मनुष्य की, उसको याद करवाने, हर समस्याओं को का समाधान करवाने की एक विधा है। महर्षि पतंजलि ने जब देखा कि इस विश्व में अशांति व्याप्त है तो उन्होंने योग की तरफ सब मनुष्यों का रुख किया कि इसमें समस्याओं का समाधान है। वह समस्या के समाधान है क्या और वास्तव में योग है क्या, अब समझने की ये बारी है। योग सुबह उठने से लेकर रात सोने तक अपने जीवन को व्यवस्थित करने की कला है। जिस प्रकार एक संत के पास एक व्यक्ति आया, उसने बोला मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, और संत ने बोला कि बेटा एक काम कर, रात में मेरे घर ही रुक जा और
ये ऊंट मेरे पास 100 हैं और उन ऊंटों को आपको बिठाना है। वह व्यक्ति क्या किया, वो पूरी रात उन ऊंटों को बिठाता रहा, पर ऊंट बैठने को तैयार नहीं। एक ऊंट बैठता, दूसरा ऊंट खड़ा होता। समस्याएं हमारे सामने इसी प्रकार हैं। फिर वो फकीर के पास गया सुबह, और फकीर ने बोला, बेटा इसी प्रकार हर मनुष्य के जीवन, चाहे वह गरीब है चाहे अमीर है, हर व्यक्ति के जीवन में समस्याओं का पहाड़ है ही। जो इस समस्याओं के बीच भी मुस्कुराते हुए रह लेते हैं, वही योग के सही अर्थों को समझ पाते हैं। योग मनुष्य की जीवन जीने की कला है। वैसे सामान्य परिभाषाएं आप कहीं भी देख लें, आपको मिल जाएगी। क्या है सामान्य परिभाषाएं? गीता में कहा गया है, योग कर्मशु कौशलम। हर कर्म जो आपको जीवन में मिला है, वह चाहे आप एक बहू हैं, एक बच्चे हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, जो भी आप हैं, अपने कर्तव्य का पालन अच्छे से करें, कुशलतापूर्वक, यही योग है। दूसरा बताया है, समत्वम योग उच्यते। हर परिस्थिति में सम रहना, चाहे सुख की हो चाहे दुख की हो, हर परिस्थिति में सम रहना योग है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगश्चित्र वृत्ति निरोधा। हमारे चित्त के अंदर जो वृत्तियाँ उत्पन्न हो रही हैं, वो योग हैं। तो इस प्रकार योग को समझते हैं कि हमारे, यानी कि हम समझ सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी को अगर बेहतर तरीके से गुजारना है और ज़िंदगी का असली मकसद को समझना है, जो ज़िंदगी का हमारे वक्त गुजारने का तरीका है उसके बारे में सही से जानना है, तो योग की तरफ आना पड़ेगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। अच्छा मानवी जी, आपकी तरफ आएंगे, जैसे कि अमृता जी ने भी कहा कि ज़िंदगी को एक तर्ज में और तरतीब के साथ जीने की जो कला है वो है योग। अब योग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को ये नहीं पता होता आज के ज़माने में कि मतलब योग को अगर हम कर रहे हैं तो कैसे इसकी शुरुआत की जाए, कौन से वो आसन हैं जो क्रम में चलने चाहिए। तो आप सबसे पहले तो ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि अगर कोई योग करना चाहता है तो कैसे वो शुरुआत करे। जी, अगर हम शुरुआत की बात करें योग में, तो सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन है कि योग जो है सिर्फ कोई डिजीज्ड पर्सन है वही कर सकता है। और ये मिसकंसेप्शन भी होता है कि कोई हेल्दी पर्सन है सिर्फ वही योग कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं सही तरीके से योग करना, तो सबसे पहले आप ठान लें कि आपको शुरुआत करनी है कंसिस्टेंट रहना उस प्रैक्टिस में। स्टार्ट करते हैं, राइट तरीका क्या है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर। तो सबसे पहले प्रार्थना से एक शुरू करते हैं। हमारी जो एक घंटे का सेशन होता है, तो पहले प्रार्थना से शुरू करिए। प्रार्थना के बाद आप शुरुआत कर सकते हैं कुछ लूजनिंग प्रैक्टिसेस के साथ। यानी कि आप जब भी कोई भी आसन पर आते हैं, तो उससे पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे योग में ही काफ़ी चालन क्रियाओं के बारे में वर्णन दिया गया है। आफ्टर दैट आसन की बारी है। आसन जो है, आसन में एक डिस्ट्रीब्यूशन है आसन की। सबसे पहले हम बात कर सकते हैं खड़े होने वाले आसन। एग्जाम्पल जैसे ताड़ासन हो गया, वृक्षासन हो गया। सिमिलरली पोज दैट बैठ के करे जाने वाले आसन, सिटिंग पोस्टर्स। सिटिंग पोस्टर्स का अगर एग्जाम्पल दें तो पद्मासन, कुछ ध्यानात्मक आसन में आप बैठ सकते हैं, उष्ट्रासन में बैठ सकते हैं। ऐसे करते करते आते हैं हम प्रोन लाइंग पोस्टर्स, यानी कि पेट के बल लेटने वाले आसन। पेट के बल लेटने वाले आसन जैसे कि भुजंगासन, शलभासन, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सुपाइन लाइंग पोस्टर्स, यानी कि पीठ के बल लेटने वाले पोस्टर्स। उसमें उत्तानपादासन, अर्धहलासन, हलासन। ऐसे करते करते एक सीक्वेंस बन जाता है। जैसे हमने आसन को कंक्लूड कर देते हैं, पोस्ट दैट हम आते हैं अपने प्राणायाम में। प्राणायाम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, साथ ही साथ उसमें हम बात कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की, भ्रामरी प्राणायाम की। अगेन डिपेंडिंग ऑन कि कितनी कैपेसिटी है किसी की वो प्राणायाम करने की। प्राणायाम के बाद ध्यान है। एक बहुत छोटा सा क्रिया आप ध्यान का कोई भी ध्यान कर सकते हैं, और ये पूरा एक पैक्ड जो है सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस इज फॉर अ न्यू कमर, जिसको भी शुरू करना है वो इन एक सेशन से काफी लाभ पा सकता है। वो ये सब चीज़ें कर सकते हैं और बहुत अच्छे से योगा समझ सकते हैं। यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा कि आजकल कहा जाता है अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो लोग उसे राय देते हैं कि आप योगा की तरफ आइए। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो भी उसको इसी तरह कहा जाता है। मोटापा, ओबेसिटी आज के टाइम में हर किसी को देखने में आता है कि उसको वज़न बढ़ता जा रहा है, और उसे फिक्र भी रहती है कि उसका वज़न ख़त्म हो जाए किसी भी तरह से, और उसके लिए हर कोई उससे कहता है कि आप योगा की तरफ आए। मैं डॉक्टर मधु के पास आना चाहूँगा। मधु जी, आपके पास आना
पाना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा कि बीमारियों को कंट्रोल करने में योगा किस तरह से एक बड़ा रोल अदा कर रहा है। जी सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं आज के समय में हम सभी लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इसका कारण क्या है, इसके लिए हमें कारण की तरफ जाना पड़ेगा। इसका सबसे मुख्य कारण है हमारे जीवन में तनाव का होना, हमारी दिन भर की भाग दौड़, जो हम भाग रहे हैं किसी ना किसी चीज़ को पाने के पीछे, चाहे वो पावर है चाहे वो मनी है। एक अंधी दौड़ में हर इंसान जो है भाग रहा है, उसे पता नहीं है उसे कहाँ जाना है। जब वो अटेन भी कर लेता है उसके बाद भी उसमें और पाने की इच्छा रहती है, तो उसके कारण वो तनाव में रहता है। और भी कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे कि अभी आप इस सेशन में जानेंगे भी, जिसके सॉल्यूशंस जैसे कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है लोगों के बीच में, ऑफिस में जा रहे हैं वहाँ पे तनाव है, घर में तनाव है, और नींद पूरी नहीं हम लोग ले रहे हैं, खान पान ठीक नहीं है हमारा, समय पे खा नहीं रहे हैं, या फिर आप खा रहे हैं, आप बाहर का जंक फूड खा रहे हैं, ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं, तो आपका थ्रू आउट आपका लाइफस्टाइल ही ख़राब है, सोने से लेकर जागने से लेकर, उसके बाद आपका बैठने का तरीका, आपका चलने का तरीका, द वे यू आर ब्रीदिंग इज ऑल्सो रॉन्ग। तो जब आपका बॉडी का कंपोजिशन ये पूरा ही इससे अफेक्टेड हो रहा है, तो ये कई तरह की बीमारियों को जन्म दे रहा है। योग क्यों बेहतर है अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट अदर एलोपैथिक ट्रीटमेंट, आई वुड से बिकॉज योग हमारे पंच कोशास पे कार्य करता है, वी आर नॉट जस्ट दिस बॉडी। योग ये कहता है, मॉडर्न साइंस तो ये मानती है कि हम जस्ट ये शरीर है, राइट, विच इज़ मेड अप ऑफ फूड। योग कहता है कि हम पांच कोश हैं, जिसमें हमारा आउटर आता है अन्नमय कोश विच इज़ मेड अप ऑफ फूड, देन देर इज़ अ लेयर ऑफ एग्जिस्टेंस इन अस विच इज़, और प्राणमय कोश जो कि प्राण से बना है जी। उसके बाद नेक्स्ट आता है मनोमय, जो हमारा माइंड हमारी फीलिंग्स इमोशंस जिसमें आते हैं, देन विज्ञानमय जिसमें हमारी इंटेलेक्ट है, एंड द इनमोस्ट इज आनंदमय विच इज़ अ ट्रू नेचर, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। जी हाँ, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, आनंदमय, वी आर प्योर ब्लिस, सच्चित आनंद जी। तो उसकी तरफ हमें पहुँचना है, तो दैट इज वाई योग इज बेटर देन ऑल अदर ट्रीटमेंट ऑल द थेरेपीज, बिकॉज ये सारे कोशास पे कार्य करता है। तो जब हम योग करते हैं, जैसे कि अभी मैम ने बताया, उसमें आसन है, प्राणायाम है, ध्यान की प्रैक्टिसेस हैं, तो वी आर नॉट जस्ट वर्किंग ऑन द बॉडी, वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन आर प्राणा, वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन आवर माइंड इमोशंस एंड फीलिंग्स। जब भी कोई मरीज आता है हमारे पास, तो हम सिर्फ उसको फिजिकल प्रैक्टिस नहीं कराते हैं, हम उसको प्राणिक प्रैक्टिसेस भी कराते हैं, जो उसके प्राण को रेगुलेट करता है। हम उसको ऐसी प्रैक्टिसेस भी कराते हैं जो कि उसके माइंड को काम करता है, उसके जो मन में थॉट्स का फ्लो, जैसे कि मैम ने कहा, अमृता मैम ने, कि जो योग है वो चित्त वृत्तियों का निरोध है। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे होगा, जब पहले आपका जो माइंड में नेगेटिव थॉट्स का फ्लो आ रहा है वो कम होगा, तो हम योग के अभ्यास के द्वारा उसे कम कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि जो आपके दिमाग में अगर तनाव या स्ट्रेस चल रहा है तो उसको योग से कम किया जा सकता है। इसको हम जारी रखेंगे, ले लेते हैं कॉल। हेलो जी, हेलो हेलो जी, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ मैडम, नमस्कार जी। नमस्कार, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद मैडम जी। मैडम, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। जी मैडम, मेरा सवाल यह है कि हमारे मुआसरे में बहुत सारे लोग हैं जो मांसाहारी हैं, तो क्या मांसाहारी लोगों योग या योगी क्रिया योग क्रिया करने में जो उनका उसका जो महत्व है वो कम हो जाता है, या जब योग करते हैं तो उस वक्त उसको छोड़ देना चाहिए जी, तो जी। इसका क्या आपसी कोई संबंध है? जी 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 मानवीय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे इनके सवाल का जवाब। देखिए, अगर आप अपना जर्नी शुरू करना चाहते हैं योग में, तो बहुत अच्छी बात है, एंड एटलीस्ट आप सोच रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं कि हमें वो चीज़ फॉलो करनी चाहिए नॉन वेजिटेरियन डाइट की नहीं करनी चाहिए। मैं आपको यही कह सकती हूँ कि योग में हमें सात्विक डाइट के बारे में बताया गया है। सात्विक डाइट यानी ऐसी डाइट जो बहुत फ्रेश है, शुद्ध है, वेजिटेरियन डाइट है, फ्रूट बेस्ड है, एंड जो नेचर से हमें डायरेक्टली मिलती है डाइट। साथ ही साथ हम यही डाइट को जब ऑफर करते हैं पूरे समर्पण सरेंडर करके, एंड देन भी जब उसको फिर हम लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो एक सात्विक भोजन बन जाता है। तो वो सात्विक भोजन जो है वो आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ने में, मतलब आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प करता है। तो योग सिर्फ एक आसन नहीं है, एक एक्सरसाइज नहीं है, पर आगे एक स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने का रास्ता भी है। तो उसमें अगर आपको आगे बढ़ना है,
तो डेफिनेटली सात्विक डाइट जो है आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर आप मांसाहार आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो मैं आपको यही कह सकती हूँ कि कोशिश करिए अगर आप स्विच कर सकते हैं डाइट में एंड आप खुद फील करेंगे कि काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। मानवी जी ने आपके सवाल का जवाब दिया, शुक्रिया आपका। अच्छा डॉक्टर अमृता जी आपकी तरफ आएंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल के जो नौजवान हैं ख़ासतौर से इन लोगों में ज़्यादा स्ट्रेस लेवल देखा गया है, चाहे वो अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान रहते हों या फिर किसी तरीके के रिलेशनशिप को लेकर परेशान रहते हों, तो उनके लिए जो है योग किस तरह से कारगर साबित हो सकता है उनकी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी सही तरीके से आगे चल सके। बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्योंकि इस बार का जो हमारा थीम है IDY का वो भी है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो सोसाइटी का एक बहुत मजबूत पहलू है युवा, और युवा के लिए जब प्रश्न पूछा गया है तो युवा पेन और कॉपी निकाल लें क्योंकि जो चीज़ें हम बताने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही कारगर हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। युवाओं के लिए योग क्या है और युवा योग को किस प्रकार से करे और किस प्रकार से वो अपने जीवन को लक्ष्य तक पहुँच पाए और सफलता प्राप्त हो सके। तो योग के बारे में ऐसा कहा है, हट प्रदीपिका में कहा गया है, उत्साह साहस धैर्य तत्व ज्ञान जनसंघ परित्याग। इस प्रकार बोला गया है किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहला अगर योग में बताया जाए तो लक्ष्य का निर्धारण करें, क्योंकि जैसा आज का हमारा युवा है वैसा ही हमारा देश है, जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। तो हमारा जमाना अगर हमें ऊपर की तरफ ले जाना है तो युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा, युवाओं को अपने जीवन में योग को समावेश करना पड़ेगा। अब योग को समावेश युवा करें कैसे? सबसे पहले आप लक्ष्य का निर्धारण करिए। आज का जमाना जो है हमारा टेक्निकल इतना हो गया है, हर चीज़ हमारा अवेलेबल है गूगल पे, तो हमें सबसे पहले देखना है कि हमें लक्ष्य का निर्धारण, हमारी रुचि किस में है, हमें लक्ष्य क्या बनाना है, क्या हमें धनवान बनना है, क्या हमें प्रोफेसर बनना है, क्या हमें डायरेक्टर बनना है, क्या हमें राजनीतिक क्षेत्र में जाना है, क्या हमें कलाकार बनना है, क्या हमें संगीतज्ञ बनना है। जिस भी चीज़ को आपको बनना है सबसे पहले आप लक्ष्य का अपनी रुचि के अनुसार निर्धारण करें, योग बताता है। उसके बाद दूसरा बताता है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके उमंग और उत्साह, क्योंकि सफलता का जो प्राण है वो उमंग और उत्साह है, वो ज़रूर होना चाहिए। जिसके मन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा निरंतर चिंतन चलता रहता है, उत्साह और उमंग बना रहता है हर क्षण, वो ज़रूर धैर्यपूर्वक रहता है, वो ज़रूर लक्ष्य को प्राप्त करता है। तीसरा इसमें आता है कि अपनी संपदाओं का सुनियोजन। अब संपदाएं है क्या? जैसा मैंने पहला दो कहानियों के माध्यम से बताया कि हमारे जीवन ही एक संपदा है, समय संपदा है, समय सबको बराबर मिला है, उसी में कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाता है, कोई मुख्य बड़े बड़े पदों पर चला जाता है, और कोई गरीब और अपने को नकारा समझ कर ही रह जाता है, जबकि जीवन कितनी बहुमूल्य संपदा है। इसमें साधना करके आप प्राणायाम करें, आसनों का अभ्यास करें, ध्यान करें, एकाग्रता शक्ति बढ़ाएं और अपनी क्षमताओं का नियोजन करें, इसमें समय का प्रबंधन करें। साधना करने से आपके अंदर आत्मबल जागेगा, संकल्प शक्ति जागेगी, इच्छा शक्ति जागेगी, इन शक्तियों के माध्यम से आप लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। अच्छा आपने ये तो जो नौजवान है उनके लिए बताया कि जिस ओर जवानी जाएगी उस ओर जमाना जाएगा, लेकिन अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों पर भी प्रेशर बना रहता है अक्सर एग्जाम्स का, खास तौर से, तो वो बच्चे अपने आप को कैसे मतलब एकाग्र रखें और फोकस रहें और अच्छे से अपनी जो एग्जाम्स है उसमें वो क्लियर करें और अच्छे नंबरों से पास हों, क्योंकि हमने देखा है बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं एग्जाम्स के दौरान। ये आपने बच्चों के लिए क्वेश्चन पूछा जो कि बहुत ज़रूरी है। आज बच्चों को सबसे पहले जोड़ना है योग की बेसिक चीज़ों से कि अपने व्यवहार को ठीक करें, क्योंकि अगर अच्छा व्यवहार है, अच्छा इंसान है, तो वो जो भी करेगा वो अच्छे से करेगा, ठीक है। योग यही सिखाता है कि बच्चों को सबसे पहले सद्गुणों का बच्चों के अंदर विकास करना चाहिए। बच्चे कितने मार्क्स ला रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि गांधी जी, अगर उनकी एक कहानी आपको याद है, गांधी जी को शिक्षक ने बोला कि आप चोरी करके पास हो जाओ, आप नकल कर लो, पर गांधी जी को आज याद किया जाता है, उन्होंने मना कर दिया कि मेरे नंबर कम आ जाए, मैं फेल हो जाऊँ, पर मैं नकल नहीं करूँगा। तो बच्चों को योग के माध्यम से ये समझना चाहिए कि हम
कठिन प्रयास करेंगे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में। और बच्चों को ये समझना चाहिए सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है। अगर एग्ज़ाम कोई और दे दे रिजल्ट आपको मिल जाए ऐसा कहीं संभव नहीं है। तो एग्ज़ाम आपको ही देना पड़ेगा, कठिन परिस्थितियों से आपको ही गुजरना पड़ेगा, आपको ही सुबह उठकर लर्न करना पड़ेगा। और उसके साथ आपको स्मरण शक्ति विकास के लिए कुछ क्रियाएं हैं योग की, जिसमें है मेधा शक्ति विकासक क्रिया, जिसमें है स्मरण शक्ति विकासक क्रिया, बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया। इन क्रियाओं ये जो चीज़ें आपने यहाँ पर बताई हैं बहुत ही अच्छी हिदायत है। मैं समझता हूँ अगर इन्हें फॉलो करें हमारे नाज़रीन, और ख़ासतौर से नौजवानों की बात की, इन चीज़ों से अगर वो तैर कर पार हो जाएंगे तो यकीनन एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे और योग उनकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा और ज़िंदगी में चाहे वो जज बने या कोई भी अच्छा काम करें वो आसानी से कर सकते हैं। आपकी बातों से मुझे भी बहुत यहाँ अच्छा लगा सुनकर, और दिल कर रहा था सुनता रहूँ, लेकिन वक्त की थोड़ी सी तकाजा है तो इसलिए हम आगे जाएंगे। मानवी जी आपके पास मैं आना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा, योग के फ़ायदे बहुत सारे हैं हम भी जानते हैं और प्रोग्राम में जिक्र भी है उसका। मैं चाहता हूँ कि आप प्रोग्राम देखने वालों को उसके बारे में तफसील से बताएं कि मोटे मोटे तौर पर कौन कौन से फ़ायदे हैं योग करने वालों के लिए। जी, शुरुआत में मैं आपको एक डेफिनेशन बताना चाहूँगी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जो स्टेट करते हैं हेल्थ आखिर में है क्या। सो हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। एंड आपको ये जानने में काफ़ी इंटरेस्टिंग साउंड करेगा कि योग जो है वो सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है। अगर हम बात करें फिजिकल वेलबींग की, तो आप जानते ही हैं कि योग एक होलिस्टिक अप्रोच प्रोवाइड करता है, वो आपको फिजिकली काफ़ी फिट रखता है। आप आसन्स की बात करें, आसन्स या लूजनिंग प्रैक्टिसेस की बात करें, वो आपके पूरे शरीर को काफ़ी एक्टिव रखता है और एनर्जाइज रखता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें हाउ योगा हेल्प्स इन मेंटल वेलबींग, तो आप देखेंगे कि काफ़ी हमारे योग में प्रैक्टिसेस हैं, लाइक मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं, ध्यान की जो प्रैक्टिस हम कह सकते हैं जी। और जैसे मैम ने भी कहा कि स्मरण शक्ति विकासक, बुद्धि तथा ज्योति शक्ति विकासक क्रियाएं हमारे सूक्ष्म व्यायाम है। तो ऐसे कितने सारे व्यायाम हैं जो हमारे माइंड को काफी एनर्जाइज्ड और एक्टिव रखते हैं। ओके। साथ ही साथ बात करते हैं अगर स्पिरिचुअल वेलबींग की, तो देखा जाए तो काफी हद तक हम योग को एक आसन एक्सरसाइज तक ही देख पाते हैं, पर अगर आपको अपना एक ट्रू ह्यूमन गोल जो है उसको रियलाइज करना है, स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है, तो योग भी हमें एक रास्ता प्रोवाइड करता है। एक नहीं या बहुत रास्ते प्रोवाइड करता है। जैसे काफी स्कूल्स ऑफ योगा है, आपको ज्ञान योग अच्छा लगता है, भक्ति योग अच्छा लगता है, कर्म योग अच्छा लगता है, या फिर ध्यान योग अच्छा लगता है, जैसे भी है जो आपको सूट करता है आप उस पाथ पे चल सकते हो और कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल वेलबींग। अच्छा मानवी जी, मेंटल हेल्थ में भी काफ़ी योगा कारगर है, बहुत सारी चीज़ें उससे सुधर जाती हैं, आदमी का जो जहनी सुकून है वो उसे ज़िंदगी में एक तरगीब देता है आगे बढ़ने के लिए। इसमें मेंटल हेल्थ का भी आपने ज़रा जिक्र भी किया, मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा, डॉक्टर मधु बताएं ज़रा सा मेंटल हेल्थ के बारे में। ये मानवी की बात जो है काफ़ी हद तक सही है, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर मेंटल हेल्थ की अगर बात की जाए योगा के हवाले से। जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो माइंड और बॉडी है वो कनेक्टेड है, राइट। तो जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा तन होता है, ठीक है। जैसे कि जब हम नोटिस करेंगे, जब आप गुस्से में होते हैं, आपने फील किया होगा कि हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, स्वेटिंग होने लगती है, कभी कभी किसी को ट्रेमर्स होने लगते हैं बॉडी में, तो ये सब इसका अर्थ ये है कि जब आपको टेंशन हुई मन में, पर उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा, आपके शरीर पर पड़ा। तो इसी प्रकार अगर आप शरीर पे कार्य करते हैं, जैसे कि अभी मानवी जी ने भी बोला योग की प्रैक्टिसेस बताई, तो उनको करके आप माइंड को भी काम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। वो क्या रहा है, आज के समय में हम फिजिकल हेल्थ पर तो कार्य कर रहे हैं, आसन इज वेरी फेमस कंपोनेंट ऑफ योग, इट इज़ वेरी इफेक्टिव ऑल्सो, पर हम मेंटल कंपोनेंट पर कार्य नहीं कर रहे हैं। यहाँ मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि माइंड मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जैसे कि अभी बोला भी गया कि योगा जो है होलिस्टिकली वर्क करता है, तो आप सिर्फ फिजिकल लेवल पे काम नहीं करते, मेंटल लेवल पे भी कार्य करते हैं, और मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर हमारे पास कोई मरीज आया है जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम है, राइट, अब उसको हार्ट की समस्या है, और अगर वो अच्छा खाना भी खा रहा है, मिताहार सात्विक आहार ले रहा है। ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की है, हार्ट के बारे में बात कर रही हैं आप, इसको जारी रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर बात करना भी ज़रूरी है। एक कॉल आ गई है, कॉल ले लेते हैं, उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। हेलो 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 जी, बताइए, आपकी आवाज़ मिल रही है हमें राजेंद्र जी, बताइए। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा उम्र 60 साल है जी, और मेरे घुटने में प्रॉब्लम है। ओके
ओके ओके मुझे योग में क्या कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए? अच्छा मधु जी, आपकी तरफ ही आऊंगा मैं, आपने सवाल तो सुन लिया है, जी, जी, क्या राय देना चाहेंगे यहाँ पर जी? अगर किसी के घुटने में दर्द रहता है, पहले तो ये समझ जाइए कि डिजनरेटिव प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये विद एज हो रहा है तो डिजनरेटिव है, यानी कि उम्र के साथ जो होता है वो घुटनों में समस्या होने लगती है, जो आपके घुटनों में गैप है वो कम होने लगता है आपके जॉइंट्स में। या फिर अगर आपकी एज जो है वो ज़्यादा नहीं है तो ओवर यूज़ के कारण भी कभी कभी क्या होता है घुटनों की समस्या, या आप ओबेज हैं जिनका वजन ज़्यादा है, या फिर आप बिल्कुल सेडेंटरी है सारा दिन चेयर पर बैठे रहते हैं तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो या फिर आपकी डाइट ऐसी है कि न्यूट्रिशनल कंपोनेंट नहीं है तो उसके कारण घुटने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि आपका कारण क्या है। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसके डिजीज़ का मुख्य कारण क्या है। अगर आप ज़्यादा सीढ़ियाँ ऊपर नीचे सारा दिन होते हैं दिन में 20 बार, तो आपको उसे कम करना होगा। या आपका वजन ज़्यादा है तो वेट मैनेजमेंट की ओर फोकस करना होगा। उसके अलावा कुछ मसल्स भी होती हैं हमारी जो कि वीक होने के कारण वो घुटनों को सपोर्ट नहीं कर पाती हैं, जैसे कि हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स होगी, क्वाड्रिसेप्स होगी। क्वाड्रिसेप मसल का वीक होना मुख्य कारण रहता है जिनको घुटनों में प्रॉब्लम होती है, वो सपोर्ट नहीं कर पाते। आपके जॉइंट्स तो वीक हो गए हैं पर जो मसल्स है अगर हम उनको स्ट्रेंथन कर पाए विद द प्रैक्टिस ऑफ योग, योग के विभिन्न आसन हैं जो क्वाड्रिसेप मसल को स्ट्रेंथन करने में हेल्पफुल होते हैं। और हैमस्ट्रिंग मसल सारा दिन जो बैठे रहते हैं जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है तो हैमस्ट्रिंग मसल काफ मसल्स टाइट हो जाती है, तो उसके लिए भी योग में बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। ऐसे आसन करके डेफिनेटली आप आराम फील करेंगे। और वेट को कम करना बहुत ज़रूरी है अगर किसी को घुटनों में दर्द की समस्या, अगर आपका वजन अधिक है तो डेफिनेटली वेट मैनेजमेंट के अभ्यास करने से उस पेशेंट को रिलीफ आता है। जी मैं समझता हूँ इनको एक एडवाइस ये भी देने की ज़रूरत है कि ये किसी अच्छे योगा एक्सपर्ट को भी दिखाएं, क्योंकि फ़ोन पर ये सब चीज़ें शायद समझना इतना आसान नहीं होगा। और राजेंद्र जी, उम्मीद है कि जो बातें डॉक्टर मधु ने आपको बताई हैं बहुत सारी बातें आपके समझ में आई होंगी और आप इन पर खूब अच्छे से अमल करेंगे। और मेरी एडवाइस भी है आपको कि किसी अच्छे योगा एक्सपर्ट को भी आप दिखाएं। मधु जी, आप यहाँ जिक्र हार्ट की कर रही थी तो हार्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगी, पूरी बात कर दीजिए अपनी। जी, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं सडन कार्डियक अरेस्ट यूथ में भी ऐसे केसेस सुनने के लिए मिल रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर आप डाइट भी ठीक ले रहे हैं, जैसे कि अभी हमने बात की सात्विक डाइट की कि उसको मैं फर्दर एलैबोरेट करना चाहूंगी कि योग में मिताहार का कॉन्सेप्ट है, सुस्निग्ध मधुरा आहार चतुर्थांश विवर्जते भुजते शिव संप्रीते मिताहार सा उच्चते, यानी कि आपकी डाइट वेल लुब्रिकेटेड होनी चाहिए, जीरो फैट नहीं हम बोलते हैं। मधुर आहार मतलब नेचुरली जो स्वीट टेस्ट है फूड का, यानी ऊपर से चीनी डाला, नेचुरली जो एक फूड का अपना टेस्ट होता है। चतुर्थांश विवर्जते दैट मीन्स जितना आपको खाना है उसका 1/4 आप छोड़ दें, ठीक है, और जो आप फूड खा रहे हैं उसको सरेंडरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स डिवाइन, कि आप ईश्वर को समर्पित करें इस एटीट्यूड के साथ खाएं। और ऐसा खाने से जो हम सात्विक आहार की बात करते हैं, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्ध सिरा हृदय आहार सात्विक प्रिया, यानी ऐसा आहार जो आपकी आयु बढ़ाए, एज बढ़ाए, सत्व बल और आरोग्य डिजीज लेसनेस लाए आपके अंदर, ठीक है, रस्य स्निग्ध सिरा हृदय जो आपको फुल ऑफ रस हो, ठीक है, और आपके हृदय को पसंद हो, जो आपको अच्छा लगे, इस प्रकार का आहार आपको खाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जंक फूड खाएं, बट जो आपके अंदर से आपके आत्मा को संतुष्ट करे इस प्रकार का आहार आप खाएं, जो आपकी रूह को संतुष्ट करे एक तरीके से, उसका आहार आपको खाना चाहिए। अगर आप ऐसी डाइट ले रहे हैं और आप आसन भी कर रहे हैं तो इट इज इफेक्टिव, बट अगर आप माइंड कंपोनेंट को मिस कर रहे हैं, यानी कि आप ऐसी प्रैक्टिसेस प्राणायाम ध्यान का अभ्यास नहीं कर रहे जो हायर प्रैक्टिसेस योग में, तो भी उससे बेनिफिट नहीं होगा। मतलब एक आपको ओवरऑल पैकेज पूरा आपको करना होता है। सिर्फ आसन विल नॉट हेल्प, ओनली डाइट विल नॉट हेल्प, यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। इट इज़ योगा इज़ नॉट जस्ट अबाउट ऑन द मैट, इट इज़ ऑफ द मैट ऑल्सो। बहुत अच्छी बात आपने कही कि ऑफ द मैट भी योगा मतलब अपने आप में एक पूरा वो है, ये सिर्फ आसन नहीं है, ज़िंदगी को सही से जीने का एक तरीका भी इसे माना जा सकता है। आपके पास आएंगे अमृता जी और आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि मस्कुलर प्रॉब्लम्स की भी अभी बात हुई तो उसमें नी पेन है, बैक पेन है, ये सभी शामिल होते हैं। आपके पास भी ऐसे लोग आते होंगे जो ये शिकायत लेके आपसे कॉन्टैक्ट करते होंगे, तो ये बताएं कि इनको किस तरह से योगा जो है वो हेल्प कर सकता है। जैसा कि बताया मधु मैम ने कि इसमें पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थिंग्स, लाइक इसमें आप अपने फैट को कम करिए, दूसरा जंघा शक्ति विकासक कुछ क्रियाएं हैं, उसके उससे भी पहले सबसे पहले वेट लूजनिंग प्रैक्टिसेस जितनी भी है, वेट लूजनिंग प्रैक्टिसेस शुरू करते हैं आप, कुछ सूक्ष्म व्यायाम और स्थूल व्यायाम की क्रियाएं ले सकते हैं, आप सूर्य नमस्कार की कुछ क्रियाएं ले सकते हैं, सूर्य नमस्कार का 12 जो हमारे आसन हैं वो पूरे आप कर सकते हैं। इसके साथ में आप सबसे पहले जैसा कि माधवी जी ने कहा है कि मानवी जी ने कि इसमें जो शुरुआत होती है षटकर्म से होती है, तो क्योंकि नी प्रॉब्लम है, क्यों
अगर मोटापे के कारण है तो उस कारण अगर पता चल जाएगा तो निवारण पता चल जाएगा, और कारण अगर हमारा है ओबेसिटी तो पहले ओबेसिटी पर वर्क करना ज़रूरी है। तो ओबेसिटी को पे वर्क करने के लिए आपके षटकर्म से शुरू होगा, जिसमें हमारे कुंजल की प्रैक्टिसेज हैं, जिसमें हमारे वस्ती की प्रैक्टिस है, हमारे शंख प्रक्षालन है, लघु शंख प्रक्षालन है, इन तरीके की प्रैक्टिसेज के अभ्यास के माध्यम के बाद हमारा आता है सूक्ष्म और स्थूल व्यायाम, जिनका अभ्यास करके अपने ओबेसिटी को कम कर सकते हैं, जिससे कि हमारा नीज पर प्रेशर कम पड़े। और उसके बाद कुछ हमारे मेडिटेशन है, कुछ हमारी प्राणायाम की प्रैक्टिसेज हैं, जिसको करके हम इनका निवारण कर सकते हैं। बहुत अच्छी आपने बात बताई। अच्छा मधु जी, तो आपके पास आएंगे, एक और बहुत अहम सवाल है जो कि खवातीन से यानी कि फीमेल से जुड़ा हुआ है। आजकल हम देख रहे हैं कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, छोटी छोटी बच्चियों में भी थायराइड है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, इररेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं जो है इनफर्टिलिटी बढ़ी है, तो जाहिर सी बात है कि एक नई टेक्निक्स जो आई है IVF और IUI की तरफ जो है फीमेल्स वो जा रही हैं। तो अगर किसी खातून ने ये करवाया है तो उसे किस तरह से का योगा करने की ज़रूरत है ताकि उसका कंसेप्शन जो है वो सक्सेसफुल रहे? जी, आजकल वुमेन में बहुत ही कॉमन है PCOD की समस्या। हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं PCOD के यंग गर्ल्स में, 25, 30, 35 की एज में, जो कंसीव करना चाहती हैं, दे नॉट एबल टू कंसीव। एंड इसके अलावा फाइब्रॉइड केसेस, ये बहुत कॉमन हो गए हैं, या पीरियड्स इरेगुलर हैं, ठीक है, और उसके साथ उनको बहुत ज़्यादा इवन बॉडी इमेज भी इशू हो जाता है, क्योंकि एक्नी की समस्या हो जाती है, एक्सेस हेयर ऑन द बॉडी। तो एक तरीके से वेमेन डिप्रेशन में भी चली जाती हैं बिकॉज ऑफ दैट, और वो फर्दर एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज़ क्रिएट कर देता है। जैसे कि अगर किसी को PCOD है, उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस भी होते हैं, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाता है। अब डायबिटीज़ भी हो जाएगा, PCOD ऑलरेडी है, थायराइड भी होने की समस्या, क्योंकि एक एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है तो दूसरा भी हो सकता है। तो इसीलिए एक तरीके से ग्रुप ऑफ डिजीज़ हो जाता है, और जिसके कारण जो है उनको कई तरह की, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इनफर्टिलिटी, बहुत तरह की प्रॉब्लम को उनको फेस करना पड़ता है। उनकी सोशल लाइफ भी इम्पैक्ट होती है, उनकी पर्सनल लाइफ भी इम्पैक्ट होती है। तो हमारे पास जब ऐसे केसेज आते हैं तो हम पहले तो पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि दे हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। तो योग में हम उनको ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेज हैं, जैसे कि मैं नाम तो यहाँ पे लूँगी, कि हम भद्रासन कराते हैं उनको, या हम इन्वर्टेड पोस्चर्स कराते हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल। सेतु बंधासन इज़ वेरी गुड फॉर स्ट्रेंथनिंग द पेल्विक फ्लोर। बट मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि योगा थेरेपी इज़ हाईली इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर, इट इज़ नॉट वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। ऐसा नहीं है कि अभी हम आपको चार आसन बता दें, आपको वो समस्या है, आप उसे करना शुरू कर दें, आप किसी बुक में पढ़ के या कहीं वीडियो में देख कर करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है किसी के थेरेपिस्ट के सुपरविजन में करें, क्योंकि वो आपकी पूरी हिस्ट्री लेंगे, वो समझेंगे कि आपको डिजीज़ किस वजह से है, आपको ये PCOD क्यों हुआ, क्या कारण है। और ऐसा माना जाता है कि ओबेज जो हैं गर्ल्स या लेडीज़, उनको होता है, बट ये ऐसा नहीं है, ये थिन को भी होता है, और जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उनको भी होने के चांसेस है। और एक और बात बताना चाहूँगी, पहले के समय में ये बीमारियाँ हम सुनते भी नहीं थे, क्योंकि पहले मधु जी थोड़ा सा वक्त की यहाँ पर कमी है, आपकी बात ये काफ़ी हद तक हम समझ गए हैं, और मैं समझता हूँ कि प्रोग्राम देखने वाले भी समझ गए होंगे। मैं मानवी जी आपके पास आऊँगा, बिल्कुल लास्ट में ये पूछना चाहूँगा कि जो इंटरनेशनल योगा डे आज अमल पूरा वजूद में आ चुका है, तो ये अगर हम ग्लोबल परसेप्शन की बात करें तो इसके वजूद में आने पर कितने बदलाव आए हैं, क्या हुआ है, क्या चेंजेस आए हैं, क्या कहना चाहेंगे मानवी जी? मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ पॉइंट्स हैं जो जिनको एक्सप्लेन करके समझ की कमी है, जल्दी से बताएं प्लीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप देखिए कि लास्ट ईयर ही जब IDY इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हुआ था, तो उधर बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ भी आई थी, जैसे कि रिचर्ड गियर हैं, ये काफ़ी सेलिब्रिटीज़ फेमस हैं, और देखा जाए हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, जैसे कि जेसिका एल्बा है, डाउनी रॉबर्ट डाउनी जूनियर है, तो इन्होंने दे आर वेरी वोकल अबाउट देयर योगा एक्सपीरियंसेस, एंड यू कैन सी कि कैसे सेलिब्रिटीज़ के प्लेटफॉर्म पे भी ये काफ़ी फेमस है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जब IDY से पहले जो मार्केट साइज था, ग्लोबल मार्केट साइज ऑफ दिस इंडस्ट्री, दैट वॉज 2019 में, यू कैन से इट वॉज अराउंड $37 बिलियन, एंड उसके बिल्कुल बाद ही लाइक 2027 में इट्स एक्सपेक्टेड कि ये $66 बिलियन तक आगे बढ़ेगा। एंड इफ़ यू सी दैट काफ़ी बड़े टेक जायंट्स है, लाइक यू नो गूगल है, एप्पल है, यू सी दैट दे हैव अडोप्टेड लाइव क्लासेज ऑफ योगा इन देयर ऑफिसेज। तो ये कॉर्पोरेट वेलनेस सेशंस हो रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स काफी इसको प्रमोट कर रहे हैं, साथ ही साथ आप देखते हैं कि मानवी जी अपना मैसेज भी इसी में दे दीजिएगा, क्योंकि वक्त की जरा कमी है, क्या अभी अपना पैगाम भी क्या देना चाहेंगे आप, ये जो आप बता रही हैं इसके साथ ही?
मैं यही कहना चाहूंगी कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कल है 21 जून को, तो सबको यही एक इनवाइट है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी इम्प्रेसिव और बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है योग को प्रमोट करने का, हेल्थ प्रमोशन का, डिजीज प्रिवेंशन का, और साथ ही साथ मैनेज करने का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो हम सारे एज पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, जैसे हम कह रहे हैं बात की थीम जो है दैट इज योगा फॉर सेल्फ एंड योगा फॉर सोसाइटी, तो पूरे एज अ कॉमन कम्युनिटी एंड सोसाइटी साथ मिलकर योग करते हैं, कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो स्पेशली करा जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो सभी को योगा करना चाहिए, उन बातों को समझना चाहिए। मधु जी, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का मैसेज पैगाम रहेगा आपका? जी, मैं यही कहना चाहूंगी जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं जो योग है वो हमारे हमें अपने आप से, अपने सोसाइटी से, नेचर के साथ जुड़ना सिखाता है। तो ये भीतर की यात्रा भी है और हमें दूसरों से भी जोड़ता है, एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे अंदर लाता है। तो योग कीजिए और अपने से जुड़िए और अपने आसपास के लोगों के साथ भी अच्छा संबंध रखिए, अच्छा व्यवहार रखिए, और चित्त प्रसादन के उपाय हैं वो फॉलो कीजिए। आप इसे योग शिक्षक से सीख सकते हैं कि कैसे जो अच्छा कर्म करते हैं उनके साथ आप मैत्री रखें, कोई बुरा करता है उसकी उपेक्षा करें, कोई दुखी है तो उसके साथ करुणा का व्यवहार रखें, और कोई अच्छा कार्य करता तो उसे देखें खुश हों, ईर्ष्या ना रखें, और योग के कॉन्सेप्ट को अपनाएं। सिर्फ योग की फिजिकल प्रैक्टिसेस नहीं, योग के बहुत सारे एटीट्यूड्स भी हैं, मेंटल एटीट्यूड्स हैं, जैसे चित्त प्रसादन के उपाय हैं या ईश्वर प्रणिधान की भावना है वो अपने अंदर लाए, कर्म योगी बने, भक्ति योगी बने, कर्म करें फल की इच्छा ना करें। और इस तरह का अगर आप एटीट्यूड अपनाएंगे तो तनाव आपके जीवन में अपने आप कम होगा, आपको कोई रोग होगा ही नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बातें आपने बताई, इन पर समझना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे अमृता जी आप? बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि योग जो है वो व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण की धुरी है। तो योग को अपनाए, अपना निर्माण करें, सबसे पहले हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, अपना सुधार करें, यही योग का सबसे बड़ा लक्ष्य और उद्देश्य है और यही योग का संदेश है। अपना सुधार करें, अच्छे गुणों को अपने अंदर कल्टीवेट करें, जैसा कि चित्र प्रसाधन के उपाय बताए हैं वो महर्षि पतंजलि ने इतना अच्छा उपाय बताया है कि आपको समाज और सोसाइटी में रहना आ जाएगा। यम नियम का आचरण करें जिसमें है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, नियम में है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये पहला चरण है। अगर इसको जीवन में अपनाएंगे तो व्यक्ति निर्माण होगा, उसके बाद समाज निर्माण और वसुधैव कुटुंबकम की जो बात कही वो अपने आप शिरोधार्य सार्थक होती जाएगी। तो योग करें, निरोग रहें, यही हमारा संदेश। बहुत अच्छे यहाँ पर सभी लोगों ने मैसेजेस दिए हैं, तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। जी वाकई में अगर हम योग करेंगे तो ना सिर्फ अंदरूनी तौर पर बल्कि बाहरी तौर पर जो हमारी शख्सियत है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा और एक खिलाव पैदा होगा। तो आप सभी जो है योग कीजिए, आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास वाले भी खुश रहेंगे, आपके अपने खुश रहेंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ जो हमारी आज की बेहद ख़ास जो पेशकश थी वो इख्तिताम पर पहुंच चुकी है और हमें यकीन है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स का एक बार बहुत बहुत फिर से शुक्रिया, और जैसा कि हम हमेशा से ही आपको ये कहते हैं कि अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है तो आप जल्दी से हमें ईमेल कीजिए। हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए, hello.drdurdu@gmail.com। इसके साथ ही आप हमारा प्रोग्राम यूट्यूब चैनल पर, जो कि हमारा डीडी उर्दू का यूट्यूब चैनल है, उस पर देख सकते हैं। साथ ही टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, रखिए अपना खास ख्याल, हमें दीजिए इजाजत, आदाब। आदाब। योगा सेहतमंद रहने का बेहतरीन और कारगर तरीका है। योगा से जिस्मानी और जहनी सेहत बेहतर से बेहतर हो सकती है। योगा सुबह सवेरे और खाली पेट करना चाहिए। योगा का कोई भी आसन करने से पहले किसी की निगरानी में उसे ठीक तरह से सीख लें। खुली और हवादार जगह में ही योग करना चाहिए। कम से कम आधा घंटा योगा करें। थकान, बीमारी, जल्दबाजी, बहुत ज्यादा तनाव में हरगिज योगा न करें। पाबंदी से योगा करने से हम कई बीमारियों से महफूज रह सकते हैं।